नमस्कार। आज बात हरियाणा चुनाव नतीजों से मिले मोदी मैजिक पर सियासी संकेतों की। हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी जीत ने बता दिया कि मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है। बीजेपी की इस जीत के कई कारण रहे, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आई वो है मोदी मैजिक। भले ही इस बार हरियाणा में बीजेपी ने पोस्टरों बैनरों में पीएम मोदी के साथ स्थानीय उम्मीदवारों को भी तवज्जो दी हो, लेकिन जनता का भरोसा तो मोदी पर कायम रहा। जैसा कि हमको उम्मीद थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है, और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देने जा रहा हूं जो निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो बड़े फैक्टर हरियाणा में बीजेपी की जीत के रहे वो थे पीएम मोदी की गारंटी पर हरियाणा की जनता का भरोसा। हरियाणा के दलित वोटों ने भी पीएम मोदी पर भरोसा जताया। मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी अब प्रयोग करने और नए चेहरों को मौका देने में भरोसा रखती है। हरियाणा में भी नए चेहरों पर भरोसा जताया गया, तो साइलेंट रणनीति बनाने और अंजाम देने के लिए मोदी शाह की जोड़ी को अव्वल माना जाता है। हरियाणा में भी बीजेपी की साइलेंट रणनीति काम कर गई। हरियाणा चुनाव ने बता दिया कि मोदी मैजिक किस तरह से बरकरार है। दरअसल 2014 से देश में शुरू हुई मोदी लहर कहें या फिर मैजिक अब भी बरकरार है, यह हरियाणा के चुनाव ने साबित कर दिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में इसमें कुछ ढलाव जरूर दिखा था। एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार ने हरियाणा में परिवारवाद की पॉलिटिक्स के ऊपर जाकर जनता का भरोसा जीता। हरियाणा के इस चुनाव में परिवारवाद और पुश्तैनी सियासत को जड़ से सफाया होता नजर आया। भजनलाल परिवार, बंशीलाल परिवार, सुरजेवाला परिवार, हुड्डा परिवार का सियासत में असर फीका पड़ गया। दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूँ। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यह तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। जहां मोदी का चेहरा हो, जाति पॉलिटिक्स बेअसर हो जाती है। हरियाणा में भी जाट पॉलिटिक्स बेअसर नजर आई। कांग्रेस हरियाणा चुनाव में बहुत हद तक जाट वोटरों पर निर्भर थी। पार्टी ने 44 जाट उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन कांग्रेस की ये पॉलिटिक्स बेअसर रही। नहीं तो एक समय ऐसा भी आया था जब हरियाणा में लंबे समय तक जाट सीएम सत्ता में रहे, लेकिन मोदी मैजिक ने इस ट्रेंड को बदल दिया। तो बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से ट्रंप कार्ड साबित हुए हैं। वहीं राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कोई खास करिश्मा नहीं कर पाए। हरियाणा में पीएम मोदी का जादू एक बार फिर चलता नजर आया है। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 5 रैली की थी। इन रैलियों का असर हरियाणा में 17 विधानसभा सीटों पर था। इनमें से इन सभी सीटों में बीजेपी ने ज्यादातर में जीत हासिल की और लगभग 10 सीटों पर बीजेपी जीत भी गई। उधर राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने हरियाणा की जिन 14 सीटों पर रैली की थी, उनमें लगभग आधी सीटों पर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी ने जनता का आभार जताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हरियाणा का हृदय से आभार। पीएम मोदी लिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को
एक बार फिर स्पष्ट बहुमत देने के लिए मैं हरियाणा की जनशक्ति को नमन करता हूँ। ये विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है। मैं यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा के अंदर जो जीत हुई है, ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है। अमित शाह जी की कुशल रणनीति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की मेहनत और परिश्रम, जो बूथ बूथ पर कार्यकर्ताओं ने संगठन के तंत्र के साथ जो ताकत से काम किया है, आज जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण को आशीर्वाद दिया है। जनता ने साबित किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। आज हरियाणा के अंदर किसानों ने आशीर्वाद दिया है, आज हरियाणा के अंदर हमारी बहनों ने आशीर्वाद दिया है, गरीबों ने दिया है, और हरियाणा के उन पहलवान किस खिलाड़ियों ने भी आशीर्वाद दिया। जलेबी खिला के बधाई दे रहे हैं आप। चलो भाई जलेबी खाओ। अब आपको बताते हैं आखिर मोदी मैजिक के साथ बीजेपी कैसे हरियाणा जीतने की रणनीति बना रही थी और हर रणनीति में पीएम मोदी की अहम भूमिका थी। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही काम करना शुरू कर दिया था और इसी रणनीति के तहत मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। लोकसभा चुनाव लड़वाकर केंद्र में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके दो फायदे हुए, सैनी को सीएम बनाने से सैनी समाज बीजेपी के साथ और मजबूती से खड़ा हुआ। इसके साथ ही पंजाबी समाज खट्टर को सीएम पद से हटाने से नाराज भी नहीं हुआ क्योंकि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया था। बीजेपी की ये रणनीति काम कर गई। मोदी के विजन में हमेशा नौजवान और किसान भी रहे हैं। ये पीएम मोदी के विजन का ही कमाल है कि आखिरकार हरियाणा चुनाव में बीजेपी इन्हें साथ लाने में सफल रही। विपक्ष ने विधानसभा चुनाव में नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि हरियाणा के किसान और नौजवान बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि विपक्ष का ये नैरेटिव काम नहीं आया। इन दोनों समुदायों ने बीजेपी को जमकर वोट दिया। दरअसल बीजेपी ने इस नैरेटिव को देखते हुए दोनों समुदायों को रिझाने की कोशिश की। बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किसानों के लिए 24 फसलों के लिए MSP की गारंटी की। वहीं नौजवानों के लिए कहा गया कि अग्निवीर योजना से रिटायर होने वाले सैनिकों को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। बीजेपी के इन वादों पर किसानों और नौजवानों ने विश्वास किया और उसे वोट भी दिया। इसके अलावा बीजेपी ने पूरे चुनाव प्रचार में ये बताया कि कांग्रेस की सरकार में बिना खर्ची पर्ची के नौकरी नहीं मिलती थी। दरअसल वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस सरकार में सिफारिश और पैसे से ही नौकरी मिलती है। बीजेपी के इस नैरेटिव ने भी वोट बटोरने में काम किया। यानी हरियाणा चुनाव के काफी पहले बीजेपी मोदी विजन पर ही काम कर रही थी और आखिरकार नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया। नतीजों से जाहिर होता है कि मोदी के लिए जनता का प्यार अभी भी बरकरार है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।